बहुत सारे लोगों ने इस लुक को बहुत प्यार दिया और पूछ रहे हैं सभी दैट विच प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमने यूज करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दिस साइड मेकअप आर्टिस्ट है शान मलिक और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आते हैं। तो ये ब्रांड है कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का। ये ब्रांड में हम कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स के बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको बताने वाले हैं। बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ हमने जो ये लुक क्रिएट करी है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। सो जो सबसे फेवरेट पैलेट है मेरी कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की वो है ये डिफाइन पैलेट, जिसके अंदर आपको सभी न्यूट्रलाइजर से लेके डार्क कंसीलर, लाइट कंसीलर, हाइलाइटिंग एंड कंटोरिंग के सभी शेड्स अवेलेबल होंगे फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन। तो जो हम बेसिकली अभी कर रहे हैं दिस इज अ न्यूट्रलाइजिंग और यू कैन से अ डार्क कंसीलिंग टू द फेस, जिससे हमारे फेस के जितने भी डिस्कलरेशन हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो हाइड होंगी। और हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं विद अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो है कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का ये सिल्की मैट फाउंडेशन, जो कि बहुत ही अच्छी कवरेज के साथ आता है। जो इसकी कवरेज है वो है मीडियम टू फुल कवरेज और साथ में इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ रेंज की शेड्स जो है वो अवेलेबल है। आपको अपनी मीडियम टू डस्की, डस्की टू फेयर, कोई भी अगर आपकी स्किन टोन है तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपका शेड बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड दिस फाउंडेशन इज ट्रांसफर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट। एंड अब बात करते हैं कंसीलिंग की, जिसे हम हाइलाइटिंग भी कहते हैं। हमें वो हमेशा अप्लाई करना होता है 2 to 3 शेड्स लाइटर देन द स्किन टोन एंड हम सेम डिफाइंड पैलेट्स के साथ एक लाइटर शेड के साथ हम अपनी कंसीलिंग जो है अपने फेस पे कर रहे हैं। एंड कंसीलिंग के जो पॉइंट्स है वो आप देख सकते हैं वीडियो में। हमने अंडर आइज लगाया है, क्यूपिड्स वो एरिया, ब्रिज ऑफ योर नोज एंड सेंटर ऑफ योर चिन एंड साथ में सेंटर ऑफ योर फोरहेड। एंड गाइज, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर योर क्लासेस अपडेट्स। अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन तो हमारी बेसिक टू प्रोफेशनल मेकअप की क्लासेस जो है वो अवेलेबल हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया गया है और साथ में वीडियो में यूजर आईडी बताई गई है। एंड अभी हम जो कर रहे हैं दिस इज कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का कंटूर पैलेट एंड ब्लशर पैलेट। इनके जो ब्लशर्स हैं एंड कंटूर्स हैं इनकी बहुत ही हाईली पिगमेंटेशन है, बहुत ही अमेजिंग जो इफेक्ट आ रहा है वो फेस पे हमारा जो बेस है बहुत ही अच्छा बन रहा है इसके साथ। एंड साथ में जो हमारे ब्लशर पैलेट है उसी के अंदर 2 शेड्स के हाइलाइटर अवेलेबल हैं एंड लुक एट दैट ग्लो, एक ही बार में एक ही स्वॉच में बहुत ही अच्छा हाइलाइटर आ रहा है, दिस इज सो अमेजिंग। एंड गाइस, कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की रेंजेस में बहुत सारे कंटूर पैलेट्स, ब्लशर पैलेट्स एंड हाइलाइटर पैलेट्स डिफरेंट आती हैं, इंडिविजुअल्स भी अवेलेबल हैं, आप साइट पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस आई, अब आई पार्ट्स में आते हैं। ये दिस इज द कोल कलरफुल काजल्स, यू कैन ट्राई दैट ब्लू एंड सिल्वर। आई एम पुटिंग दिस सिल्वर कलरफुल काजल ऑन माई मॉडल्स आई एंड दिस काजल पेंसिल इज़ वेरी वेरी यूजफुल। आप इसको बहुत ही मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे स्मज भी कर सकते हैं लाइनर की तरह। और अब हम आई बेस लगा रहे हैं फ्रॉम दैट डिफाइन पैलेट बाय कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आई मेकअप। सो ये आई मेकअप की बहुत ही अमेजिंग पैलेट जो है दिस इज़ बाय कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स और इसके साथ यू कैन जस्ट लुक एट द शेड्स। इसके अंदर मैट भी अवेलेबल हैं, शिमरी भी एंड प्रेस ग्लिटर्स। शेड्स की बात करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रल शेड्स अवेलेबल हैं, जो कि एक बेसिक शेड्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड आप देख सकते हैं हमने इसमें ये शेड फर्स्ट शेड लेकर उसे अच्छे से मर्ज करा है, ब्लेंड करा है आईज पे विद अ ब्लेंडिंग ब्रश। जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन ऑफ द कलर्स, एक ही स्वॉच में आपके सामने कलर्स बहुत ही अमेजिंगली स्प्रेड हो रहे हैं आईज पे एंड बहुत ही अच्छी बात है, दैट कलर्स आर सो अमेजिंग। एंड अब हम लेने वाले हैं अपना सेकेंड कलर एंड इसके साथ क्रिएट करने वाले हैं अपनी ट्रांजिशन। सो अकॉर्डिंग टू आउटफिट हमने यूज़ करा है दिस सेकेंड कलर, इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ब्रश एंड साथ में आफ्टर ब्लेंडिंग उसको बैक से आउटर कॉर्नर जो है हम अच्छे से स्मज करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई एम पिकिंग अप दिस शिमरी कलर एंड अप्लाइंग दिस ऑन द इनर कॉर्नर ऑफ द आई सो दैट वी कैन एबल टू मेक दैट आई लुक पॉप अप। एंड साथ में उसके बाद हम एक डार्कर कलर के साथ स्मज करेंगे फ्रॉम आउटर कॉर्नर एंड स्मजिंग को फॉलो करेंगे आफ्टर अ गुड लाइनर, एक लाइनर लगाएंगे फॉर द इंटेंस लुक एंड हमारी आईज मेकअप की जो इंटेंस लुक है वो इसके साथ बहुत ही अमेजिंग आएगी। दिस लाइनर इज सो पॉइंटेड एंड जेड ब्लैक इन कलर सो बहुत ही अच्छी लुक आती है। एंड लास्ट में हम ड्रॉप शेडो कर रहे हैं विद दिस ब्रश, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं फॉर द ड्रॉप शेडो लुक ताकि हमारी जो आई है आई लुक हमारी कंप्लीट हो जाए। एंड लास्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप जो है दैट इज मेकअप फिक्सर एंड ये बहुत अच्छा स्टे करता है हमारे मेकअप को। एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल लुक कमिंग अप एंड दिस वॉज अ ट्यूटोरियल एंड जो हमने सारे प्रोडक्ट्स यूज करे हैं इस लुक में आपको जो दिखाए गए हैं दैट इज फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स। सो दिस वॉज द प्रोडक्ट रिव्यू ऑफ कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स, होप यू गाइज लव इट एंड प्लीज शेयर विद योर मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स।